और जयपुर से, प्रताप प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान सीकर और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर समन्वयक कंप्यूटर विज्ञान विभाग में सागर सोनी सहायक प्रोफेसर टीम के नेतृत्व में छात्र प्रेरणा कार्यक्रम के तहत SIP बीटेक छात्रों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ प्रायोगिक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारी देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को सूर्य मंदिर और महाभारत कथा की सच्चाई के लिए प्रसिद्ध लोहारगल धाम उदयपुर वाटी की यात्रा की। छात्रों ने वैदिक आश्रम पिपराली हिंदू वैदिक का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुकुल के साथ संचालकों ने छात्रों को 4 वेदों की विस्तृत जानकारी दी और जीवन कल्याण के लिए इसे अपने जीवन से अपनाने की सलाह भी दी है। छात्रों ने रायावास धाम में जैविक खाद व होम्योपैथिक दवा निर्माण का जायजा लिया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा के एक भाग के रूप में जीणा माता मंदिर सीकर और सामुदा वीर हनुमान मंदिर के दर्शन किए गए। इस दौरान कई सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की दिल खोल कर छात्राओं ने प्रस्तुति की। छात्र छात्राओं ने SCADA आधारित थर्मल प्लांटों की कार्यप्रणाली जानने के छात्र दल को प्रोफेसर सागर सोनी ने पावर सबस्टेशन बड़ादर को दौरा कराया। मानवीय मूल्यों के एक हिस्से के रूप में वृद्धाश्रम धोड़सर गए और वृद्धाश्रम के लोगों के साथ कुछ समय बिताया और बुजुर्गों का सम्मान कर उन्हें अपनत्व का एहसास कराया। प्रोफेसर सागर सोनी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्ययन में भ्रमण विधि का विशेष महत्व है। कक्षा में हम केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और ब्रह्म जगत की यथार्थ का ज्ञान से वंचित रहते हैं। भ्रमण कार्यक्रम से छात्रों की अध्ययन की निरसता दूर होकर उसे सरस बनाता है तथा उसमें सामान्य बुद्धि का विकास होता है। प्रोफेसर सागर सोनी ने कहा, छात्रों को सामाजिक संगठनों का वैवाहिक ज्ञान प्राप्त होता है और छात्रों में निरीक्षण शक्ति विकसित होती है। छात्रों ने भ्रमण कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं अद्भुत बताते हुए खुशी जाहिर की और प्रोफेसर सागर सोनी और उनकी टीम का आभार प्रकट किया। वो अपने सास-ससुर के साथ में रहना चाहती है, लड़के चाहते हैं हमें आजादी हो, हम बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, तो ये बहुत सारे कारण है। उस कारणों में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जहाँ यंग लोग भी उनके साथ ही रहना चाहते हैं, वहाँ जो बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, उनके दिमाग में भी ये होता है कि जो दिनचर्या है वो तो दोनों की एडजस्ट नहीं कर, तो वो भी खुश नहीं है और वो भी खुश नहीं है साथ में। ये BTech फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सर। अच्छा, बताया चलो उसको, और अभी 10 दिनों में ज्वाइन किया ही है तो हम लोग इनको मिलवाने लगे हैं। आप लोगों को कभी क्या कैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे ही रहते हैं, कैसा आपका जीवन है, तो उनको देखना था एक बार, कैसे उनको देखना दिखा देते हैं, मिला ही देते हैं, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला। बहुत अच्छी बात है। और मेरा तो BTech के स्टूडेंट से वैसे भी बहुत इंटरेक्शन होता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्णिमा कॉलेज, SKIT, VIT इन सब में लेक्चर देने जाता रहता हूँ, मोटिवेशनल के लेक्चर देता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, सबसे पहले तो आपको